तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे आधातु के भौतिक गुण कितने हैं उसकी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक ही वीडियो में आपको सारे जो आधातु के भौतिक गुण हैं वो बता दिए जाएंगे। तो पहला मैंने गुण लिख लिया आपका जो भौतिक अवस्था है, आपका जो भौतिक अवस्था है वो आपका एक आधातु का एक गुण है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्योंकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझा सकूँ और अच्छे से आपको यहाँ पर कवर करा सकूँ। मैं लिखूंगा टाइम लगेगा इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया है, बस आपको समझाना और यहीं पर याद हो जाएगा आपको 5 मिनट के अंदर। यहाँ पर भौतिक अवस्था तो क्या बोल रहा है, आधातु सामान्य ताप पर ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होती। जो आधातु है हमारी ठोस भी हो सकती भैया, द्रव भी हो सकती और गैस भी हो सकती, मतलब तीनों हो सकती है। क्या कह रहा है, आधातु सामान्य ताप पर ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, यह आपकी आधातु है। और धातु की बात की जाए तो धातु सिर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती है, यह आपको बताना है। पर आधातु के भौतिक गुण पूछे तो आधातु की चर्चा करेंगे, धातु की इसमें कोई चर्चा नहीं की जाएगी। इसी प्रकार देख लीजिए आपका भौतिक अवस्था यहाँ पर पहला गुण हो चुका है। दूसरे की बात की जाए आपकी तो ध्वनिकता आपका आ जाएगा। तो ध्वनिकता जो आधातु यहाँ पर क्या कह रही, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, इसमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता, मतलब जो आपका ध्वनिकता मतलब जो आवाज मतलब आपकी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही इसमें कोई भी गुण नहीं पाया जाता। कभी आप आधातु को यहाँ पर पीटोगे, पीटोगे मतलब आपको किसी, जैसे आधातु है इसको आपने पीटा तो इसकी आवाज़ नहीं आएगी, जैसे ये चीज़ है इसकी आपकी आवाज़ नहीं आएगी, जैसे आपकी गैस है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट देखिए ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। आप गैस है तो गैस को आप ठोकोगे क्या आवाज़ करेगी क्या, ऐसा नहीं कर, द्रव पानी है तेल है तो उसको आप ठोकोगे तो आवाज़ आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। तो यही तो आवाज़ है ध्वनिकता, इसमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। यदि यहाँ पर ठोस होती कौन सी चीज़ होती तो उसकी आवाज़ आती तो वो आपके धातु में आएगा, पर यहाँ अधातु की मेन चर्चा की जाएगी। तो ध्वनिकता तो इसमें ध्वनिकता का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता है। दो पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिए भैया आपको, यहीं पर आज हो जाएगा। तीसरा जो आपका पॉइंट है, धात्विक जो चमक आपकी पाई जाती है आधातु में, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है प्रश्न, आधातु में धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता। देख लीजिए आपका जो धात्विक चमक है मतलब धात्विक चमक की बात की जाए तो उसमें कोई आधात्विक चमक नहीं पाई जाती। यदि यहाँ पर सोना चांदी की बात की जाए तो ये चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा, पर जब इसमें आधातु में ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में तो इसमें भी कोई चमक नहीं पाई जाती है। आपकी गैस में कोई चमक नहीं पाई जाती, द्रव में कोई चमक नहीं पाई जाती है, इसलिए जो धात्विक चमक है वो बिल्कुल इसमें नहीं आएगी। वो आधातु के जो धातु उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये आधातु की बात की जाए तो इसमें आधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, मतलब इसका गुण नहीं पाया जाता। ये देख लीजिए आधातु में धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है। ये कितने होंगे आपको, 3 पॉइंट मैंने करा दिए। चौथा आपका जो आएगा गलनांक, बिल्कुल साफ यहाँ पर गलनांक आ चुका है। तो गलनांक तो आपका देखिए आधातु का गलनांक जो रहेगा वो आपका निम्न रहेगा। क्यों रहेगा निम्न भैया, जो आपका यहाँ पर धात्विक चमक भी क्या है, धातुक चमक भी नहीं और ध्वनिकता भी मतलब ध्वनि का गुण भी नहीं है, तो जो आपका गलनांक रहेगा वो भी आपका क्या रहेगा, निम्न रहेगा। मतलब आपका जो आएगा आधातु का गलनांक जो रहेगा निम्न होता, मतलब उच्च नहीं होता। कितना के किसी के साथ बात की जाए, आपका पांचवा जो पॉइंट है, बिल्कुल यहाँ पर 7 पॉइंट रहेंगे, 7 पॉइंट को अच्छे से यहीं पर समझाऊंगा और यहीं पर याद हो जाएगी, चुटकियों में आप याद कर लेंगे। तो आपका कितनांक जो कह रहा है वो कह रहा है इनमें कृतनांक निम्न होता है, मतलब जो आपका गलनांक निम्न रहेगा तो आपका कृतनांक भी निम्न रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि गलनांक उच्च रहेगा और निम्न जो अपना गलनांक है वो निम्न रहेगा, दोनों ही आपके या तो उच्च रहेंगे या निम्न रहेंगे। आधातु में आपके निम्न रहेंगे और धातु में आपके उच्च रहेंगे। तो आधातु की बात की जाए तो आधातु का गलनांक निम्न होते हैं, कृतनांक की बात की जाए तो इनके कृतनांक भी निम्न होते हैं, मतलब दोनों ही निम्न होंगे। इतने पॉइंट हो गए आपके 5, यहाँ पर पॉइंट हो चुके हैं, यहीं पर याद हो गए 5 पॉइंट। छठे पॉइंट की बात की जाए आपकी भंगुरता, हाँ बिल्कुल भंगुरता आपको जो यहाँ पर है इसको पीटने पर यहाँ टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, मतलब देख लिए भंगुरता मतलब आप किसी भी चीज को द्रव ठोस द्रव, जैसे गैस आपकी गैस तो आप टुकड़े जैसे ठोस है, ऐसी कौन सी भी चीज को आप यहाँ पर ठोकोगे मतलब तो भंगुर मतलब बिल्कुल आप कचरे के समान हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप यहाँ पर भंगुरता को मतलब ये मत समझिए कि आप किसी चीज़ को पीट रहे हो उसके टुकड़े हो, टुकड़े मतलब बिल्कुल हम चूरमा होगा, बिल्कुल दाल बाटी का चूरमा होगा, बिल्कुल आप ये समझ सकते हो कि इसको पीटने पे यहाँ टुकड़ों में विभक्त हो जाती, से क्या कहा जाता है भंगुरता।
कितने 6 पॉइंट आपके यहाँ पर करा दी मैंने। 7 पर जो आपका लास्ट एकदम बचा हुआ है यहाँ पर मुलायमता। मुलायमता मतलब मुलायम होती बहुत, जैसे गादी आप कह सकते हैं, जैसे गैस, गैस भी मुलायम रहती, पकड़ नहीं सकते। जैसे द्रव आप बहुत मुलायम रहता, कहीं पानी आपने देखा क्या कठोर पत्थर की तरह है, बिल्कुल नहीं देखा। तो मुलायमता, तो आधा तो अधिकांश मुलायम होती है, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि आधा तो मुलायम होती। धातु की बात किया, धातु आपकी यहाँ पर ठोस चीजें रहती है, तो यहाँ पर मुलायमता लास्ट जो आपका यहाँ पर 7वां पॉइंट था, आधातु तो अधिकांश मुलायम होती है। देख लीजिए इसका पूरा यहाँ पर मैंने एक ही वीडियो में आपके जो आधातु के भौतिक गुण थे यहाँ एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर अच्छे से कवर करा दी है। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आधातु के साथ साथ धातु के भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, आपकी जो समाज विज्ञान उससे रिलेटिव भी यहाँ पर क्वेश्चन लाता रहूंगा, एजुकेशन से रिलेटिव आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छे से एक ही बार में आप यहाँ पर पढ़ोगे इसमें आपको याद हो जाएगा, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिएगा।